दोस्तों, आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आप सभी को पसंद आ रही है और आप में से बहुत से लोगों ने कमेंट करके भी अपने व्यूज़, अपने ओपिनियंस, अपनी राय हम सबके साथ शेयर की है, उसके लिए भी धन्यवाद। ऐसे ही ट्रस्ट बनाए रखें और मैं अपनी पूरी ईमानदारी से ट्रस्टेड एंड वेरीफाइड कंटेंट आप तक पहुँचाती रहूँगी, ताकि मेरी वीडियोज़ देखने के बाद आपको लगे कि कुछ नॉलेज बढ़ी है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे लेटेस्ट अपडेट्स अबाउट कोरोना वायरस और कोरोना वायरस को लेकर इंडिया में क्या स्थिति है। साथ ही बताऊंगी हाउ डेडली इज कोरोना वायरस एंड इट्स कंपैरिजन विद सार्स वायरस। साथ ही जानेंगे क्या चिकन या एग्स खाने से भी हो सकता है कोरोना वायरस। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इंडिया में कोरोना वायरस को लेकर क्या स्थिति है इस टाइम। कोरोना वायरस अब देश की राजधानी दिल्ली तक अपने पांव पसार चुका है। फरवरी 10 को कोरोना वायरस के 3 सस्पेक्टेड केसेस को दिल्ली के फेमस हॉस्पिटल राम मनोहर लोहिया RML में एडमिट किया गया है। 3 पेशेंट्स में से 2 चाइना के रहने वाले हैं, यानी कि चाइनीज हैं। उनकी उम्र 40 के आसपास बताई जा रही है, जो जनवरी में इंडिया घूमने के लिए आए थे। तीनों पेशेंट्स के सैंपल्स लेके लेबोरेटरी में टेस्ट के लिए भेजे गए हैं और टेस्ट के रिजल्ट के बाद ही मामला क्लियर होगा कि ये कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हैं कि नहीं। इसके साथ ही भारत के लिए एक अच्छी खबर केरला के थ्रिसुर डिस्ट्रिक्ट से आई है। वुहान में पढ़ने वाली फीमेल स्टूडेंट जो इंडिया लौटने पर कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड पाई गई थी, उनका इलाज चल रहा था और उनका लेटेस्ट टेस्ट कल नेगेटिव आया है। हालांकि अभी उनको डॉक्टर्स की ऑब्जर्वेशन में हॉस्पिटल्स में रखा जाएगा। इसका मतलब क्या ये मान लिया जाए कि भारत कोरोना वायरस के खतरे से टल गया है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि 3000 से ज्यादा केसेस अभी भी संभावित लिस्ट में हैं, जिनके टेस्ट का रिजल्ट आना बाकी है। 3000 में से करीब 61 पेशेंट्स को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है, जिनकी सिचुएशन थोड़ी ज्यादा क्रिटिकल है, और 2900 के आसपास को होम क्वारंटाइन में। देश के सभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पे थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है और टेस्ट पास होने के बाद ही इंडिया में एंट्री अलाउ की जा रही है। अमेरिका के बाद अब इंडिया ने भी चाइना से आने वाले सभी विदेशी नागरिकों को इंडिया में एंट्री देने पे मना कर दिया है। DCGA डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने सभी एयर इंडिया, इंडिगो, स्पाइस जेट सहित सभी इंटरनेशनल एयरलाइंस को एडवाइजरी भेजकर इन्फॉर्म किया है कि जनवरी से पहले दिए गए सभी वीजा कैंसिल कर दिए गए हैं। ऐसे पैसेंजर्स को फ्लाइट में बोर्ड ना करने दिया जाए, नहीं तो इंडिया से डिबोर्ट किया जाएगा। इसके साथ ही तमिलनाडु में रामेश्वरम शहर में एक चाइनीज नागरिक की पहचान हुई है, जिसमें कोरोना वायरस के सिम्टम्स पाए गए हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने उसे या तो अपने देश चाइना लौट जाने को कहा है या फिर हॉस्पिटल में एडमिट होने को। ये चाइनीज 28 जनवरी को कोलकाता में घूमने आया था और तब से लेकर अब तक देश के कई शहरों में घूम चुका है और डर फैला हुआ है कि कहीं भारत में कोरोना वायरस ना फैल जाए, इसलिए सारे जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन जी ने लोकसभा में भरोसा दिया है कि इंडिया इज वेल इक्विप्ड टू डील विद कोरोना वायरस। इसका मतलब ये हुआ भारत इस टाइम कोरोना वायरस से लड़ने के लिए सक्षम है। पूरे देश भर में कोरोना वायरस की जागरूकता के लिए अवेयरनेस कैंप्स लगाए जा रहे हैं, ताकि लोग अवेयर रहें। साथ ही चाइना से आने वाले इंडियंस के लिए मैंडेटरी 14 डेज का क्वारंटाइन किया गया है। सभी ट्रैवलर्स को 14 दिनों तक आइसोलेशन में रखा जाएगा, उनके टेस्ट लिए जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को भरोसा दिया है कि वो चाइना के इस बुरे टाइम में उनके साथ खड़ा है और हर संभव मदद के लिए तैयार है। साथ ही जो चाइना ने अपने देश से भारतीय नागरिकों को निकालने में इंडिया के साथ कोऑपरेशन किया, उसका भी मोदी जी ने धन्यवाद बोला है। अब बात कर लेते हैं कि ये कोरोना वायरस कितना ज्यादा डेडली यानी कि घातक है। दुनिया भर में कोरोना वायरस का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा। अब कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 1100 का आंकड़ा पार कर चुकी है, जो 2003 में फैले सार्स वायरस से मरने वालों के नंबर से कहीं ज्यादा है। एज ऑफ फरवरी 12, 1115 लोग इससे अपनी जान गंवा चुके हैं और 45,000 से ज्यादा कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड कन्फर्म्ड केस हैं।
अब उन 45,000 पॉजिटिव केसेस में से कितनों को बचाया जा सकता है ये आने वाला टाइम ही बता पाएगा। अकेले संडे में 97 लोग अपनी जान गवा बैठे और मंडे यानी कि फरवरी 10 को ये नंबर बढ़ के अभी तक का हाईएस्ट 108 पहुंच गया था। इस वायरस के मोर्टेलिटी रेट की बात की जाए तो 2.1% है। आसान भाषा में कितने लोग इस वायरस की वजह से मर जाते हैं एज कंपेयर टू जितने पॉजिटिव केस पाए जाते हैं। ये डेथ रेट सार्स के 8.1% की तुलना में कम भले ही हो, लेकिन इन्फेक्टेड केसेस ज्यादा होने की वजह से डेथ्स बढ़ गई हैं। सार्स में इन्फेक्टेड केस थे 8500 और कोरोना वायरस में उसके मुकाबले अभी तक है 45,000, लगभग 5 गुना, और ये नंबर बढ़ता ही जा रहा है। और सार्स में टोटल डेथ्स हुई थी 774, जबकि कोरोना वायरस का आंकड़ा जैसे कि अभी बताया 1100 को पार कर चुका है। तो अब आप सभी को समझ आ गया होगा कि ये कितना खतरनाक है, और कई देशों में तो अभी तक इसकी प्रॉपर जांच के लिए पर्याप्त मेडिकल किट्स भी नहीं हैं। सबसे बड़ी चिंता वाली बात अब ये है कि कोरोना वायरस चाइना से नहीं फैल रहा। जो लोग इससे संक्रमित होकर दुनिया के भिन्न हिस्सों में जा चुके हैं उसकी वजह से कोरोना वायरस ने खुद को फैला लिया है। लोगों को यात्रा करने से रोकना बेहद मुश्किल हो रहा है। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ पॉइंट्स पब्लिक किए हैं जो कि प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं जिनको आप फॉलो करें तो कोरोना वायरस से बचाव आपका हो सकता है। वो 5 पॉइंट्स मैं इस वीडियो में आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। पहला पॉइंट ये है कि कम से कम 20 सेकंड के लिए अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं। अगर आप जल्दी में हैं तो इमरजेंसी में हैं तो अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। मोटा मोटा मतलब ये है कि अपने हाथों को ज़्यादा से ज़्यादा धोएं और जब भी धोएं बहुत अच्छे से धोएं। दूसरा पॉइंट ये है, अपनी आईज, नोज और माउथ को अनवॉश्ड यानी कि बिना धुले हाथों से ना छुएं। अगर खांसी आती है तो अपने मुंह को हाथ से कवर करें और छींकते टाइम टिश्यू पेपर या फिर रुमाल का इस्तेमाल करें। तीसरा पॉइंट, जो लोग बीमार हैं उनके साथ क्लोज कॉन्टैक्ट्स में आने से बचें और सभी नॉन एसेंशियल ट्रैवल चाइना के अवॉइड करें, चाइना ट्रैवल ना करें इस टाइम। चौथा पॉइंट, जंगली जानवर के साथ कोई भी असुरक्षित संपर्क ना रखें क्योंकि यह वायरस जानवरों से इंसानों में आया है। पांचवा पॉइंट, बाहर की कंट्री से इंपोर्टेड मीट कुछ टाइम तक बंद कर दें या फिर परहेज करें, और अगर आप खाते ही हैं तो रॉ मीट ना खाएं, उसे अच्छे से पका के खाएं। अब मैं बात करूंगी कुछ मिथ्स के ऊपर जिसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, और कुछ क्वेश्चंस लोगों के जो पूछे जा रहे हैं, लोगों को कन्फ्यूजन्स हैं। पहला मिथ, क्या एग्स या चिकन खाने से हो सकता है कोरोना वायरस? तो इसका जवाब ये है, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कुछ कम जानकारी वाले लोगों के द्वारा फैलाई हुई अफवाह है। इंडियन गवर्नमेंट ने हेल्थ एडवाइजरी जारी करके क्लियर किया है इन सब चीज़ों से खाना खाने से नहीं फैलता। अभी तक ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला जिसके आधार पर ये कहा जा सके, तो आप जो खाते हैं आराम से खाएं, बिना डर के खाएं। दूसरा मिथ जो है लोग सोच रहे हैं वो ये है, इज़ इट सेफ टू गेट अ पैकेज फ्रॉम चाइना? और वहीं इंटरनेट पे भी तमाम लोगों ने इस सवाल को पूछा है कि क्या चाइना के वुहान या दूसरे हिस्से जो इस वायरस से अफेक्टेड हैं वहां से एक्सपोर्टेड सामान को छूने से यह वायरस फैल सकता है? तो इस सवाल का जवाब ये है कि अभी तक ऐसा कोई प्रूफ सामने नहीं आया है जिसके बेसिस पे प्रूफ किया जा सके कि इन्फेक्टेड कंट्री से आए माल को छूने से वायरस फैल सकता है। ये बात इसलिए भी र्यूमर्स की तरह सामने आ रही है क्योंकि ईयर 2003 में सार्स के केस में यही पाया गया था कि अगर आप किसी चीज़ या जगह को छूते हैं जहां पर इन्फेक्टेड इंसान के छींकने या खांसने के वायरस पहुंचे हो तो आप उस वायरस से इन्फेक्टेड हो सकते हैं। अब तक इस कोरोना वायरस के मामले में ये बात सामने नहीं आई है। उनमें यही देखा गया है कि कोई इंसान इस वायरस से तभी इन्फेक्ट होता है जब वो एक इन्फेक्टेड पर्सन के कॉन्टैक्ट में आता है। तो ये र्यूमर हो सकता है, पर आप अपना ध्यान रखें, जो भी प्रिकॉशंस हैं उनको फॉलो करें। तीसरा मिथ ये है कि क्या गार्लिक यानी कि लहसुन खाने से हम कोरोना वायरस से बच सकते हैं?
इसके लिए आई वुड से गार्लिक खाना बहुत हेल्दी होता है एंड हमारे इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करता है। बट ऐसा कोई एविडेंस सामने नहीं आया है कि इसको खाने से हम कोरोना वायरस से अपने आप को बचा सकते हैं। चौथा, कुछ लोगों का पूछना है कि क्या माउथ वॉश यूज करने से हम कोरोना वायरस से बच सकते हैं। इसके लिए भी मैं यही कहूंगी कि इसका भी कोई एविडेंस सामने नहीं आया है, तो आप इन चीजों पर रिलाई नहीं कर सकते अपने बचाव के लिए। पांचवा, डू एंटीबायोटिक्स वर्क अगेंस्ट कोरोना वायरस? तो इसके लिए नो, दे डोंट वर्क। पिछली वीडियो में मुझसे कुछ गलत जानकारी शेयर हो गई थी। मैंने आपको बताया कि एंटीबायोटिक पे रिसर्च किया जा रहा है जो इस वायरस को मार सके। एक्चुअली एंटीबायोटिक्स नहीं, एंटीवायरस पे रिसर्च किया जा रहा है। कमेंट करके बहुत सारे व्यूअर्स ने मुझे करेक्ट किया, उसके लिए थैंक यू एंड इस गलती के लिए मैं आप सबसे माफी मांगती हूँ। लास्ट में मैं आपसे यही उम्मीद करूंगी कि आप किसी भी टाइप की र्यूमर पे बिलीव ना करें और डर के बिल्कुल रहने की जरूरत नहीं है। अगर आपके घर के आसपास या फिर कभी ट्रैवल करते हुए या कभी मास्क पहने हुए कभी चाइनीज मिल जाए तो उसको शक की निगाह से मत देखिएगा। जो भी कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड है सबको आइसोलेशन या फिर क्वारंटाइन में रखा जा रहा है। बी रिस्पेक्टफुल टू अदर्स एंड बी अवेयर ऑफ द सिचुएशन अबाउट कोरोना वायरस। क्योंकि ये टाइम सेंसिटिव टॉपिक है, तो अगर मेरे द्वारा दी गई कोई भी जानकारी ऑब्सोलीट हो गई है या फिर पुरानी हो गई है तो प्लीज कमेंट करके अपडेट कर दें ताकि सभी तक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। कोरोना वायरस पे अवेयरनेस फैलाने के लिए मैंने काफी वीडियोस बनाई हैं, जिसमें मैंने एंड टू एंड कोरोना वायरस को डिटेल में समझाने की कोशिश की है और साथ ही दो क्वेश्चन आंसर वीडियोस भी की हैं ताकि आप सभी के जो भी डाउट्स हैं क्लियर हो सके। अवेयरनेस फैलाने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में हेल्प करो ताकि लोग र्यूमर्स पे ना ध्यान देकर कोरोना वायरस के डेडली रूप को समझें और अपना ध्यान रख सकें। आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाए। तो चलो मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में। Until then, अपना और अपनों का ख्याल रखें, उन्हें ढेर सारा प्यार करें। Share this video if you care for human life.